क्या सर आप इतने ही प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं, आप इन प्रोजेक्ट पे मुतमईन हैं? बिल्कुल जी, मुतमईन हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ NHA ऑफिस, और बलूचिस्तान पे हमने ब्रीफिंग आज की, और मेंबर साहब आज हैं, सारी टीम NHA की मौजूद है। तो इसी वजह से हमने की कि मुतमईन होने के लिए कि जहाँ डिलेज़ हैं, क्योंकि देखें बहुत जगह इश्यूज़ हैं, काफ़ी वो इश्यूज़ इस तरह हैं कि कहीं, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले कहे कि हमारे खुजदार के एक सेक्शन में 2004 में वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, और जिस कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हुआ उस उधर उनको तुर्बत की तरफ भी अवार्ड हुए थे ठेके, वो भी अबैंडनड हो गए और उसको FW ने कम्प्लीट किया, ठीक है ना, क्योंकि वो हसनैन कंपनी थी। इसी तरह ये जो आपके खुजदार वाले सेक्शन पे M8 वाले पे वो काम कर रहे थे, जो अच्छी जगह थे उधर तो उनने काम कंप्लीट कर दिया, जो एक तरीके से बोलते हैं मलाई है, जहाँ वो रॉक कटिंग आ गई या कुछ अलाइनमेंट चेंज हुई तो उनने ज़ाहरी बात है अपने को ज़रा पीछे किया, वो रह गए। तो फिर NHA ने ज़ाहरी उनको काम को कम्प्लीट करना था तो उनने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए। अब लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम तो किए मगर उनके पास फंड्स की कमी है, तो अब वो बेचारे सारे फंस गए, यहाँ से उनको पेमेंट नहीं हुई। तो इस वजह से सबसे पहले तो हमने कहा कि जी अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हम किस तरह बचाएं, वो फैसिलिटेट करें उनको। तो अभी मैंने ये भी कहा कि अगर वो पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, वो डिले में हैं, और जहाँ पेमेंट्स पे प्रॉब्लम है तो एज़ चेयरमैन अपना कमिटी जो है कम्युनिकेशन, मैं जहाँ आपको सपोर्ट कर सकता हूँ वो मुझे बताएं। उधर चेयरमैन सेनेट साहब भी बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूँ, CM बलूचिस्तान भी हैं, जहाँ जहाँ हम अपने तरफ से, क्योंकि हमारा मसला है, हमारे सूबे का मसला है और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का मसला है, इसमें अगर कोई डिले होगा तो समझो हमें डिले होगा। तो हम अगर एक साथ एज ए टीम काम करें तो चीज़ें बहुत तेज़ी से जाएंगी, और अगर हम एक दूसरे के लिए रुकावटें पैदा करें कि नहीं हमें NHA को प्रेशर करना है, या वो बोले नहीं हमें चेयरमैन कमेटी को मानना नहीं है, तो फिर तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। हम मांग रहे हैं कि जहां हम बैठे हैं, जहां तक हम चीज़ों को पुश कर सकते हैं, और उसके बाद जहां पुश नहीं कर सकते तो मैं इनको फैसिलिटेट कर रहा हूं चेयरमैन सेनेट के थ्रू और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के थ्रू। लेकिन इसमें आज तक ना कोई GM आया और ना ही यहाँ के लोगों को भर्ती किया गया, ना उस कोटे पे अमल दरामद हुआ, तो इस पे भी आप कुछ उसमें जी हमारी बात हुई है, हमने इनको रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो भी आपके कोटा सिस्टम है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि हम लोकल्स को जितना इन्वॉल्व करेंगे वो आपके लिए आसानी होगी। दूसरा, इसी तरह हमारे कमिटीज़ थे ऑयल एंड गैस में, उसमें ही मैंने यही सवाल उठाया है कि जहाँ ऑयल एंड गैस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आप कॉन्ट्रैक्टर सारे पंजाब से लेकर आ रहे हैं, जब वो बाहर से आते हैं तो वो लोकल किसी को ना मशीनरी लेते हैं और ना बंदे लेते हैं, वो अपने सारे बंदे वहीं से लेकर आते हैं। तो ये एक चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं NHA में भी, देखिए NHA तो जहाँ तक एक कॉन्ट्रैक्टर काम उठाता है वो बिडिंग के थ्रू उठाता है, उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, मगर जहाँ वो उनके प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, जहाँ उनकी हायरिंग होती है कि 3 साल का अगर प्रोजेक्ट है, तो उस हायरिंग में कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ के भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उधर ही के लोकल्स को मिले, चाहे ज़ोब के हैं चाहे खुजदार के हैं, क्योंकि यही एक तरीका स्टैंडिंग कमेटी हम कर सकते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट कराएं और मेक श्योर करें। इसी तरह हमने अपने मोटरवे पुलिस को, IG साहब से जो मेरी मीटिंग हुई वो मैंने कहा कि मुझे सारे इलाकों के आप वो दे दें कि आपके नेक्स्ट हायरिंग कहाँ हो रहे हैं, कोई 4,000 पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो 3,999, और उसमें जो हमारा बलूचिस्तान का कोटा है वो 7% है। तो इसकी वजह ये है कि मैंने कहा कि देखें हमारे लोग जो हैं वो एजुकेशन की वजह से दूसरे सूबों से बराबर नहीं है, तो हम मांग रहे हैं कि हम इस तरह करें कि हमें जो पता चलेगा कि हमारे इतने जॉब्स हैं और इस इलाके के हैं, तो हम लोकल न्यूज़ में एक एडवर्टाइजिंग देंगे कि ये कोर्सेज़ हैं, ये कोर्सेज़ आप कर लें। वो कोर्सेज़ भी हम कोशिश कराएंगे कि हम खुद ही किसी तरह अरेंज कराएं कि वो 3 महीने का या 6 महीने का कोई कोर्स हो जिसमें उनको अपस्केलिंग कर सकें, हम जब वो उस टेस्ट के लिए अपने जाएं तो वो तैयार होके जाएं एक तरीके से। मैं सिर्फ समझता हूं कि हमारा बंदे तैयार नहीं है, जैसे एक ट्रेनिंग लेवीज़ की होती है जिसमें आप एक तैयारी करते हैं, तो वो थोड़ा सा जो उनकी तैयारी 2-3 महीने की होती है वो ग्रूमिंग हो जाती है। तो मैं अपने कोशिश से ये कर रहा हूँ कि हम अपने बलूचिस्तान के लोगों को दूसरे सूबों के साथ किसी तरह बराबर करें। मेरा फोकस पूरे पाकिस्तान पे है, मगर बलूचिस्तान ज़ाहिर बात है हमारा घर है,
तो उस और यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे पश्तून भाई हैं, बलोच हैं, जो हमारे यहाँ के सेटलर्स हैं, हज़ारे बिरादरी है, तो हम कोशिश करें कि उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जॉब्स हों। इस तरह नहीं हो कि एक ही तरफ सारे जॉब्स चले जाएं और दूसरे तरफ नहीं जाएं। देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस मेरा अपना भी इसी पर है, क्योंकि हम एक तो अकालात बिल्कुल बीच में पड़ते हैं, दूसरा उससे ज़्यादा मसला ये कि जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल इतने इधर एक्सीडेंट्स हो गए हैं कि अभी इसका खूनखार नाम ही खूनखार रख लिया। और मैं ख़ुद भी बहुत अवॉइड करता हूँ कि इस पर ट्रैवल करूँ, क्योंकि ज़ाहरी बात है हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी के साथ मूव करते हैं, और ज़्यादा गाड़ी जब कॉन्वॉय में आप होते हैं तो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, क्योंकि अक्सर हमारी गाड़ियाँ एक आध हमेशा लगी है इसमें। तो मैं ख़ुद भी पुश कर रहा हूँ कि एक तो ये खूनी रोड है, जिस घरानों से बच्चे फैमिलीज़ यहाँ से गए, ऐसे भी हो कि एक एक घर से 18 लोग गए हैं, जो लास्ट एक एक्सीडेंट हुआ किसी शादी पे, वो जा रहे हैं तो पूरे मिनी बस में जो है वो एक ही पूरी फैमिली थी और उसमें ज़्यादातर वफात पा गए। तो CM बलूचिस्तान का, चेयरमैन सेनेट का, मेरा अपना सबका, हमारा यही ख्वाहिश है कि इसको हम जल्दी से जल्दी एक्सिक्यूट करवाएं। मगर उसकी वजह ये कि एक तो फंड्स की कमी है, अगर आपने प्रेजेंटेशन अभी देखी हो कि इनको कोशिश कर रहे थे कि BOT बेसिस पे करें, ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस पर ट्रैफिक कम है। अब जैसे मोटरवेज़ हैं पंजाब के साइड उस या KP के साइड या सिंध, उधर ज़्यादा ट्रैफिक है तो बिज़नेस रेवेन्यू ज़्यादा होती है, इस रूट पर बिज़नेस रेवेन्यू कम है। तो जो भी जैसे कोई ये तो BOT जो है कारोबारी लेवल पर है, तो कारोबार का जो बंदा देखा कि यार इतने हज़ार गाड़ी यहाँ आ रहे हैं तो वो फीजिबल नहीं पड़ते, वो बोलते हैं पता नहीं 100 साल में मेरे पैसे रिकवर होंगे। तो उसके लिए अभी एक सेक्शन जो है वो तो पहले रेडी हो चुका है, जिसमें अभी आपको मेंबर साहब ने कहा भी है, खुजदार टू अपना सूराब, यही है ना जी? तो ये सेक्शन रेडी है कि ये टेंडरिंग में अभी जा रहा है, बाकी जितने पोर्शन हैं हो सकता है कि FW जो है उसमें आए फिर BOT बेसिस पे एज ए पार्टनर।